ऑब्जर्वेशन एक और बड़ा पहलू है एक एक्टर के आर्मरी में। और अगर हम क्रिएटिविटी को या जैसे कहते हैं कहानियों को, फिल्म मेकिंग को, स्टोरी टेलिंग को एक असल जिंदगी का प्रतीक समझते हैं, इफ एवरी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनी क्रिएटिव स्टोरी और शो इज derives its inspiration from real life, then obviously a real life revolves around experiences of people. Observation of a writer and bringing that observation to life in his written material. When he brings that observation and experience into his written material, जब एक लेखक वही चीज अपने लिखित रूप में वही ऑब्जर्वेशन को और वही एक्सपीरियंस को अपने लिखित रूप में एक दिशा देता है, एक रूप देता है, और जब वो एक एक्टर के पास तक पहुंचती है, तो एक एक्टर को भी हालांकि एक ढांचा तो मिल जाता है कि हाँ एक डायरेक्टर या एक राइटर ने एक सर्टन ढांचा दिया हुआ है, एक सर्टन फॉर्म दिया हुआ है जिसके अंतर्गत एक एक्टर ने उस चीज को इंटरप्रेट करके एक्सप्रेस करना है। ये तो एक बेसिक काम हो गया एक्टर का, बट एज एन एक्टर देमसेल्व्स आई थिंक ऑब्जर्वेशन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एज फार एज एन एक्टर गोज, बिकॉज उसी ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत वो अपने इर्द गिर्द की जिंदगी को देखते हैं और जहां जहां पे उनको मौका मिलता है, अगर कहीं बाहर घूमने, देश विदेश में भी घूमने का मौका मिलता है या फिर दूसरे जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जाके घूमने का मौका मिलता है, वो उन जगहों के लोगों को देख के, वहाँ की उस लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करके, उसमें वो अपने मेमोरी बैंक में धीरे धीरे स्टोर करना शुरू होता है। और जब वो मेमोरी बैंक में, एक एक्टर के मेमोरी बैंक में स्टोर होना शुरू होता है, तो जब कभी आगे जरूरत पड़ती है तो वो उसी चीज को सोर्स करके एक रूप देने के लिए उसके पास काफी कुछ इंफॉर्मेशन होती है या काफी कुछ मटेरियल होता है जो उस चीज का इस्तेमाल कर सके। आप दुनिया के बड़े से बड़े एक्टर को देख लीजिए और हमारे यहाँ इंडिया के भी एक्टर्स को देखिए, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो अभी कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जितने भी बड़े से बड़े मजे हुए एक्टर्स से आप पूछें, तो जब वो उनकी आपके खुद के क्राफ्ट के बारे में जब बात करते हैं, तो वो क्राफ्ट के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ही बड़ा योगदान और बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं है, बस अपने इर्द गिर्द की जिंदगी को देखने की जरूरत है। और फर्स्ट कीजिए, अगर आगे जाके एक एक्टर को एक पोस्टमैन बनने का एक कैरेक्टर मिलता है या करना पड़ता है, तो वो पोस्टमैन तो एक ऐसी चीज है, हालांकि आज थोड़े से कम दिखते हैं क्योंकि डिजिटल डेटा और डिजिटल जमाना है तो ईमेल का जमाना है, बट फिर भी है। और उस पोस्टमैन को ऑब्जर्व करना, अगर अपने आम जिंदगी में हम अब तक करते आए होते हैं, एक एक्टर ने अगर अपने आम जिंदगी में जब किया होगा एक पोस्टमैन को ऑब्जर्व, तो उसकी कई चीजें होती हैं जो बहुत ही उनके काम से जुड़ी हुई, उनकी यूटिलिटी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। बनस्बत एक पोस्टमैन ज्यादातर पेन या पेंसिल अपने कानों के यहां रखता है, क्यों? क्योंकि उसको कभी कभी जरूरत पड़ती है, जहां अगर रजिस्टर्ड पोस्ट हो या मनी ऑर्डर हो तो जिसके नाम से उस चीज को भेजना है, उसके पास तक पहुंचाता है, तो उसको एक पेन की जरूरत होती है, तो वो पेन यहाँ पे रखने उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, बनस्बत वो अपने शर्ट के पॉकेट में रखे। अब ये एक एक्टर भी, अगर एक्टर ने ये छोटी सी चीज को ऑब्जर्व किया हो और उसने अपने कला में इस चीज को एज अ कैरेक्टर उसने इस चीज को दर्शाना हो, तो वो एक ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा होगा। जबकि वो जब वो पोस्टमैन बनेगा और ये पेन को अगर अपने कान के इधर रखेगा, तो वो एक ऑब्जर्वेशन का ही एक रिजल्ट है
जो जिसकी वजह से उस एक्टर ने वो वहां पे रखने की जरूरत महसूस की। ये जरूरी नहीं है कि एक डायरेक्टर ने उनको बोला हो कि ऐसा कर लो, या राइटर ने लिख के रखा हो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने कान के पीछे ही पेन रखता है, जरूरी नहीं है। बट एज एन एक्टर, अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व की हो एक पोस्टमैन की, तो वही चीज ऑब्जर्वेशन जो है आपके, जब आप उसको एक कैरेक्टर को प्ले करने की जरूरत महसूस करेंगे तो वो आपके काम में आएगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपने एक स्त्री नाम की फिल्म है, उसमें राजकुमार राव टेलर का रोल है, और आप अगर देखें तो जिस तरीके से उसने कपड़े को काटा है, जिस तरीके से वो मशीन, स्वीइंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, वो कहीं नहीं ऐसा लग रहा है। जब आप फिर से फिल्म देखें और ना देखना चाहें तो प्लीज उस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि उसके जो हैंड मूवमेंट्स हैं और जो पैर से अपना क्या कहते हैं, मशीन को चलाता है, वो एकदम ऐसा बिलीवेबल लगता है कि हाँ, ये जो कैरेक्टर है ये वाकई एक टेलर है। और ये एक ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा है जिसके वजह से राजकुमार राव उस चीज को अपने कला में ला सके। आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉन एंड डन अ लॉट ऑफ यू नो ऑब्जर्विंग ऑफ द वे अ टेलर वर्क्स। उनकी कैंची पकड़ने, क्योंकि वो रोजाना की चीज है, एक टेलर के लिए कैंची से काटना, कपड़े को काटना या मार्क करना, या फिर वो जो एक साबुन होता है जिससे वो लोग अगर कहीं पे काटना हो तो वो साबुन से मार्किंग करते हैं कपड़े पे, ताकि वो फिर वो लाइन से कट सके। ये सारी की सारी चीजें, जिस तरीके से वो साबुन को रखते हैं और वो जिस तरीके से मार्क करते हैं कपड़े को, जिस तरीके से वो मेजरिंग टेप को पकड़ते हैं और मेजर करते हैं, उनका पकड़ने का अंदाज ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो रोजाना की चीज है। और जब आप एज एन एक्टर, आपको एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के का मौका मिले जहां पे आपके एक प्रोफेशन जो है वो एक किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो उस प्रोफेशन को अगर आप ये कैरेक्टर रोजाना करता है, तो वो कैरेक्टर, वो एक्टर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये काम ये रोजाना करता है। ये ऐसा एक्टर नहीं लगना चाहिए कि उसको पहली बार क्या कहते हैं ये चीज कर रहा है, क्योंकि उसके हर चीज को पकड़ने में, हर चीज को दिखाने में उसका अंदाज जो है वो अलग होगा।